फॉर लूप को हम एक और तरीके से यूज कर सकते हैं। सपोज मैं इसमें यहाँ पे कुछ टाइप कर देता हूँ, कुछ भी टाइप कर दिया मैंने, ठीक है जी। एक्सेल में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है जब हम अपर लोअर केस में करते हैं। इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो अपर या लोअर करते हैं, ठीक है जी, केस जब चेंज करते हैं इसका। तो इसका आज आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं एक मैक्रो बनाता हूँ जिसमें मैं अपर केस में चेंज करूंगा चीजों को। देखिए इसमें क्या होता है, जब भी मैं कोई चीज सिलेक्ट कर लेता हूँ तो हमारे पास एक कीवर्ड है सिलेक्शन, उसके अंदर वो ये रेंज ले लेता है, ठीक है जी। इसके लिए मुझे एक रेंज का ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, रेंज का मुझे वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। देखिए वेरिएबल का मैंने बताया था कि अलग अलग जगह एक, जैसे मैं हर जगह रेंज लिख के यूज करता हूँ, तो इसका जो इंस्टेंस क्रिएट करना है मैंने, जैसे हम नेम डिफाइन करते हैं तो रेंज को हम जो ऐसे लिखते हैं तो हम आर को भी ऐसे लिख सकते हैं, या आर के अंदर कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं, आर डॉट वैल्यू, ठीक है जी। बेसिकली रेंज को मैंने क्यों लिया है, क्योंकि मैं अपना एक फॉर लूप चलाने वाला हूँ यहाँ। मैंने फॉर लूप चलाया पर इसमें मैंने एक कीवर्ड लगा दिया ईच, फॉर ईच आर इन सिलेक्शन। अब सिलेक्शन के अंदर मैंने बताया जो आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है वो आपकी सेल आ जाती है। फॉर ईच क्या करेगा, सिलेक्शन के अंदर से अब ये एक एक सेल तोड़ेगा और वो आर में पास करता चला जाएगा। तो आर डॉट वैल्यू में, जैसे लूप हमारा पहली बार यहां चला, तो आर डॉट वैल्यू में मैं जो भी दूंगा वो यहां आ जाएगा, ठीक है जी। फॉर ईच आर इन सिलेक्शन। नेक्स्ट आर, नेक्स्ट आर क्या करेगा, उसमें बढ़ता चला जाएगा। मान लीजिए इसमें से मेरा सिलेक्शन ये है तो पहले ये चलेगा, फिर दूसरा ये चलेगा, तीसरा ये चलेगा। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, हमारे तरह जैसे विंडोज में हमारे पास फंक्शन होते हैं, यहाँ पे हमारे पास अपर था, तो वीबीए में हमारे पास यू केस का फंक्शन है। तो आर डॉट वैल्यू जो भी हो उसके अंदर यू केस, और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा आर डॉट वैल्यू। यू केस का जो फॉर्मूला है जस्ट लाइक अपर काम करता है, आर डॉट वैल्यू को इसने अपर केस में कन्वर्ट किया, फिर आर में शिफ्ट कर दिया। तो जब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और मैक्रो में से मैं जब ये मैक्रो चलाऊंगा तो ये सबको अपर में चेंज कर देगा, ठीक है जी। मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, सिलेक्शन मैनुअल करना पड़ेगा। हाँ जी सर, सिलेक्शन मैनुअल करना पड़ेगा। आप ऐसे डायनेमिक भी करवा सकते हैं पर मैंने आपको ये फॉर ईच करवाने दिखाने के लिए किया है। आप पहले से भी दे सकते हैं, चूज भी कर सकते हैं, पर इसका यूज किस लिए किया, मैंने कहा कि यहाँ पे ना हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब चलिए ऑप्शन बना देते हैं अपने पास कोई, मैं दो ग्राफिक्स ले लेता हूँ कोई भी। हम जो मैक्रो है इनके ऊपर भी अटैच कर सकते हैं, इसमें मैं टाइप कर देता हूँ लोअर, ये बटन ज्यादा अच्छे हैं। यहां से आप राइट क्लिक करके असाइन मैक्रो कर सकते हैं। असाइन मैक्रो में मैं ये वाला मैक्रो इस पे असाइन कर देता हूँ, तो अपर पे जब भी मैं क्लिक करूंगा सिलेक्ट करके,
पहला मैक्रो चल जाएगा मेरा, दूसरा बना देता हूँ लोअर के लिए। इसमें आपका सब कुछ सेम रहेगा, बस फॉर्मूला बदल जाएगा। फॉर्मूला जो हो जाएगा वो हो जाएगा एल केस, ठीक है जी। अब एल केस में क्या होगा, एल केस इसका नाम भी बदल देता हूं मैं, लोअर कर देता हूं, और यहां पे असाइन मैक्रो में लोअर असाइन करवा देता हूँ। आप देखिए क्या होता है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, अपर लोअर अपर लोअर अपर लोअर, मजेदार है ना। आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अपर में कर दिया, यहाँ सिलेक्ट किया अपर में कर दिया, फिर लोअर में कर दिया, ठीक है जी। ये आर इन सिलेक्शन वर्क कैसे करता है, इसको देखने के लिए एक और मैक्रो बनाते हैं। इसका हम कर देते हैं, कुछ भी कर डाल देते हैं। तो आर एन सिलेक्शन है जो इसकी वैल्यू है, मैं एक और इंटीजर डाल देता हूँ, डिम आई एज इंटीजर, ठीक है जी। आई एज इंटीजर, आई की वैल्यू को मैंने एक सेट कर दिया। अब यहाँ पे क्या करेगा, ए आई को मैं ले लेता हूँ आर डॉट वैल्यू में। अब आर डॉट वैल्यू जब करवा दे तो उसके बाद आई इक्वल टू आई प्लस वन, ठीक है जी। अब मैं एक सिलेक्ट करता हूँ और ये चलाता हूँ सैंपल रन, तो ये कैसे वर्क कर रहा है, आपको क्या लग रहा है? ये सिलेक्शन है इसका, कॉलम से हाँ, कॉलम से इस डायरेक्शन में वर्क किया, इस डायरेक्शन फिर यहाँ पे में गया, गया, फिर यहाँ पे गया, तो इस तरह से हमारा फॉरिच वर्क करता है। जो भी डेटा उठाएगा वो ऐसे उठाएगा, कॉलम में पहले उठाएगा देन फिर अगली रो पे शिफ्ट होगा, ठीक है जी। कई बार हम सोचते हैं कि इस तरह से वर्क कर रहा है, अच्छा तो फॉरीच के साथ सिलेक्शन में हम जब एक साथ काम करवाना हो तो ये सबसे बढ़िया मेथड है, जिसमें सिलेक्शन जो है रेंज का। सर हाँ जी हाँ हेलो, जी अकाउंटिंग स्टार्ट हुआ रो से, ओके। हाँ जी, और ये काउंटिंग आप इसको रन किए तो ये देखिए, ये मैंने किया मैक्रो, ये सैंपल वाला चलाया, 1 2 3 4 5 6, हाँ बोले तो दैट मीन्स अभी ऑलवेज अभी हम किसी अल्फाबेट को इंटीजर असाइन करते हैं, रो ही काउंट कर लेता, कॉलम नहीं काउंट करेगा वो। अल्फाबेट को इंटीजर लाइक में इसमें अभी कॉलम लिया ना अभी। नहीं, वो कॉलम इसने इसका जो कहते हैं ना बेसिक रूल जो है इसका फॉर ईच का, वो इसी तरह से काम करता है। सिलेक्ट इसमें एक मेरे को डिस्टरबेंस आ रही है पीछे से कहीं की। बेसिकली क्या है कि इसमें जो सिलेक्शन है इसके अंदर जो भी रो होगी, जो भी मतलब डेटा होगा, रेंज होगी, उसमें से ये पहले क्या करेगा, आई को देना शुरू करेगा।
आई को क्या देता है, पहले कॉलम वाइज वैल्यू देता है, देता जाता है, कॉलम वाइज देता है। जब एक कॉलम की वैल्यू खत्म हो जाती है फिर रो वाइज दे, रो को नेक्स्ट रो पे आया फिर कॉलम वाइज देना स्टार्ट किया। मतलब जब मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट किया तो सिलेक्शन ने आर में पहले ये वैल्यू भेजी, फिर ये भेजी, फिर ये भेजी, फिर ये भेजी, और हम आर वैल्यू, आर डॉट वैल्यू में इसीलिए मैंने इंटीजर लगाया कि इंटीजर मेरा हर बार अपने आप को एक बढ़ाता रहेगा, ताकि वो डिफरेंट डिफरेंट होता रहेगा हर एक पोजीशन पे, तो मुझे पता पड़ता रहेगा कि सीक्वेंस क्या बना। ये वर्क करता कैसे, पहले इस दिशा में बढ़ता है, फिर यहाँ बढ़ेगा, फिर यहाँ बढ़ेगा, ऐसे चलेगा ये, ठीक है जी। तो ये फॉर ईच का जो है हमारा, फॉर ईच का मतलब होता है जैसे आप ये सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज का, हर एक सिलेक्ट आर इन सिलेक्शन, मतलब हर एक रेंज जो कि सिलेक्शन में है उसमें आर डॉट वैल्यू में इक्वल टू आई कर दे, मतलब आई की पोजीशन के बराबर कर दे, और हर बार आई की वैल्यू में मैं एक प्लस करवाता चला गया, ठीक है जी। सिंपल सा प्रोग्राम है ये, छोटा सा, इसकी वर्किंग को समझने के लिए। और आपके पास क्या होता है इसमें, आप इफ एल्स जानते हैं, एक मैं आपको पढ़ाता हूं केस स्टेटमेंट, सिलेक्ट केस, केस का जो होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ बच्चे हैं, इनको कुछ नंबर मिले, इन्होंने कोई टेस्ट दिया और इनको नंबर मिल गए। अब हमें क्या करना है, एक ग्रेडिंग सिस्टम तैयार करना है, 0 से 40 वाले को, फिर 41 से 61 वाले को, 61 से 80 वाले को, और ग्रेटर देन 80 वाले को, कोई ए दे देते हैं, बी दे देते हैं, सी दे देते हैं, और डी, तीन ग्रेड दे देते हैं, ठीक है जी, तीन ग्रेड दे देते हैं। अब जब आपको ऐसा ग्रेडिंग सिस्टम बनाना हो तो इफ एल्स के थ्रू आपका बड़ा लंबा चौड़ा वो प्रोग्राम बनता है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे एक होता है केस स्टेटमेंट, तो पहले तो हम इसको चलाएंगे, हमारा कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 14 तक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि नीचे से लेकर वैल्यू कैसे चलानी है। देखिए रेंज बी के अंदर वैल्यू हमारी ये बी 6500 पे आए, डॉट वही एंड का बटन मैंने बताया था, एक्सेल अप। Hey guys, it's the crazy low man here. एक्सेल अप आया। अब जैसे आया और यहां से हमें अपनी पहली पोजीशन मिल गई, सिलेक्ट कर लिया हमने, ठीक है, यहां पे हमने सिलेक्ट कर लिया, मतलब हमने क्या किया, पहले हम बी 6500 पे गए, फिर एंड का बटन प्रेस किया,
ऊपर आए। अब यहां से हमें क्या करना है, डाटा कहां से स्टार्ट है ये तो हमें पता है, B1 से ही स्टार्ट है, तो हम या तो डायरेक्टली B1 दे सकते हैं या फिर ऐसे। अब मैं क्या करूंगा इसमें रेंज, सिलेक्शन, सिलेक्शन में हमारा सिलेक्टेड वाला आता है, वहां पे मैंने सिलेक्ट कर लिया तो सिलेक्शन ले लिया, और अगली रेंज जो इसमें डाल दी मैंने B1 डाल दी अपने आप ही, ठीक है। फिर मैंने डॉट सिलेक्ट कर लिया, तो अब हमारे सिलेक्शन में क्या चला गया, देखिए अगर मैं इसी को ही प्ले करता हूं तो यहां पे मेरा ये सिलेक्टेड दिखाने लगा, ठीक है जी। अब हम क्या चला सकते हैं, वो डिम आर एज रेंज, ये तो हम दे ही दें, और हमारे पास क्या है अब फॉर ईच वाला, फॉर ईच आर इन सिलेक्शन, ठीक है जी। सिंपल सा हमारा लूप चल गया। नेक्स्ट आर, अब इसने क्या किया, हर एक वैल्यू को चेक करना शुरू किया, हर एक वैल्यू को चेक करना शुरू किया। अब हम क्या करेंगे, सिलेक्ट केस, केस में हम वो वैल्यू ले लेंगे, क्या ले लेंगे, आर डॉट वैल्यू, सिलेक्ट आर डॉट वैल्यू, एक सेकंड दीजिए जरा मुझे, तो कॉल आ रहा है। हाँ जी, तो हम क्या कर रहे थे, सिलेक्ट केस में हमने डाल दिया आर डॉट वैल्यू, या इसकी जगह हम आर डॉट वैल्यू की जगह डायरेक्टली कोई वो भी ले सकते हैं, क्या कहते हैं उसे, इंटीजर भी ले सकते हैं, मर्जी हमारी, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा है ना आर डॉट वैल्यू जब यूज करेंगे तो इसको नहीं पता कि वो नंबर है टेक्स्ट है या क्या है, तो इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, चलिए जो आई के अंदर है उसमें आर डॉट वैल्यू इंसर्ट करा देते हैं। अब हमने क्या किया, सिलेक्ट केस इक्वल टू आई, ठीक है जी। अब इसमें आई है, देन करेंगे केस इसमें डालेंगे हमारा जो कंडीशंस थी 0 to 40, सिंपल डाल देंगे बस ये,
जीरो टू 40 पे क्या दिखाना है इसे? 8 डॉट वैल्यू इक्वल टू डी होनी चाहिए। देन केस 41 2 60 60 कर देते हैं। 41 2 60 ये केस में तो ये बी कॉलम को ही चेंज कर देगा ना सीधा। ओके करेक्ट कह रहे हैं। तो आर डॉट ऑफसेट ठीक है जी। तो यहाँ पर रो है कॉलम है तो हम इसको रो को जीरो ले लेते हैं कॉलम को 1 कर देते हैं वहां डॉट वैल्यू कर देते हैं ठीक है जी। एक कॉलम आ गए जो मतलब आर के अंदर आ रहा है उसके एक कॉलम आ गए यहाँ ठीक है जी। कॉपी कर लेते हैं 41 से 60 के लिए हम क्या देंगे सी दे देंगे। वन केस इज 61 2 80 देन क्या करेंगे बी दे देंगे। अब इसमें क्या कर देंगे यहां पे 80 से ऊपर ऊपर है तो केस एल्स डाल देंगे। एल्स मतलब उसके अलावा बची हुई कोई भी वैल्यू यहां ए डाल देंगे और यहां इसके लिए एंड करने के लिए एंड सिलेक्ट करते हैं हम। देखिए इसमें क्या होता है सिलेक्ट चालू होता है यहां से यहां पे। इफ एल्स आपने देखा डिसीजन मेकिंग के लिए होता है पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। केस में क्या है कि सीधे सीधे आपने कोई भी वैल्यू ले ली और इनके बेस पर डायरेक्ट आपने आप अपनी स्टेटमेंट देते चले जाए कि इतने से इतना है तो ये हो जाए इतने से इतना है तो ये हो जाए इतने से इतना है ये हो जाए और किसी में ये हो जाए डायरेक्ट। बहुत ही फास्ट है चला के देखते हैं ठीक है जी। क्या ये खाली न्यूमरिक के लिए काम करेगा या कुछ कंडीशंस होंगे तो उस पे भी काम करेगा जैसे स्ट्रिंग हुआ? ये आपका स्ट्रिंग्स पे भी काम करता है ठीक है। अब एग्जांपल्स का देंगे क्या? बिल्कुल देंगे सर इसी में ही देख लेते हैं। वेरी गुड गुड सी में क्या डालें एवरेज डाल देते हैं और यहां कर देते हैं पुअर ठीक है जी। हमने वहां वैल्यू डाल दी अब इसके बेस पे डलवा देते हैं। अब मुझे इनमें क्या क्या था उससे कोई लेना देना नहीं मैं एक नया केस डिफाइन कर लेता हूं। नया केस मैंने इसमें डाल दिया यहां और केस में मैंने दे दिया अब जो हम स्ट्रिंग वैल्यू गेट करने वाले हैं वो कहां से करने वाले हैं आर डॉट ऑफसेट 0,1 से यहां से वैल्यू गेट करने वाले ठीक है जी। अब जो वैल्यू है ए है तो क्या करना है यहां पे मैं 2 कर देता हूं इसको क्योंकि नेक्स्ट वाली में एल में
तो ए है तो हमें लिखना है वेरी गुड, ठीक है जी। ना डायरेक्ट आप इसी तरीके से देंगे जैसे मैं दे रहा हूँ। बी है तो क्या लिखना है, गुड एवरेज, यहाँ पे भी ठीक कर लेता हूँ मैं, पुअर, यहाँ टू, टू, और यहाँ पे कर दूंगा मैं सी, और डायरेक्ट मैं डी भी दे सकता हूँ, और कोई है नहीं, ठीक है जी। यहाँ पे मैं टू चेंज कर देता हूँ। अब देखते हैं, ये कहाँ चला गया, यहाँ से ठीक या जी। दोनों तरह से हो जाता फिर 1 मिनट और प्रोग्राम पे आ जाइए। ओके, आपने आ बोल के रेंज आई एज एन इंटीजर। ये तो पहले था। देखिए, एक तरीका है कि हम 1 से 4, 2 से मतलब 0 से 40, 41 से 60, 61 से 80 दे दिया। दूसरा तरीका है, हमने डायरेक्ट वैल्यू दे दी। नहीं, एक करेक्ट है सर, 1 मिनट, आप समझिए, आप रेंज सिलेक्शन B1 से आए हैं, एक एक लाइन का आप एक एक एक्सेल पे एक बार कंपेयर किया तो पूरा इजी हो जाएगा। रेंज सिलेक्शन B1, वहां से एक बार वन स्टेप बाय वन बोले तो एक प्रोग्राम कहाँ एक्सेल पे रीड हो रहा, अच्छा, ऐसे रेंज दे, सिलेक्शन B। अच्छा, ऐसे देखना चाहते हैं। तो रुकिए, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अब देखिए, इसको हाँ, मैं रन से डिबग से स्टेप इन टू से चलाता हूँ, F8, पहले B6 पे, यहाँ चला, यहाँ पहुंच गया, ठीक है जी। अब ये क्या करेगा, B1 तक सिलेक्ट करेगा, सिलेक्ट कर लिया। अब I में R डॉट वैल्यू डलवा दी इसने, यहाँ पे R में जो पहली वैल्यू आई थी सिलेक्शन की, उसमें R डॉट वैल्यू, दोबारा चलाना, सिलेक्ट केस आई, 0 से 40 है तो नहीं सर, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, वो आई आई इक्वल टू आर डॉट वैल्यू, तो कौन सा वैल्यू आ गया आई में? आई के अंदर जो आपका जो सिलेक्शन की थी, जो पहली वैल्यू थी B1 की, ये वाली वैल्यू आई, ठीक ओके, है। अब उसके अंदर आई, अब ये चेक कर रहा है, ठीक है जी। इसको 0 से 40 के बीच में मिल गई, इसलिए यहां से करके डायरेक्ट एंड सिलेक्ट पे चला गया, ले गया, डी कर दिया इसको। ओके नाउ फिर से F8 करते हैं हम, अगले सिलेक्ट केस में चला गया। अब इसने इसमें से चेक किया कि ओके सर, थैंक्स। ए है तो वेरी गुड कर देगा, नहीं है वो, आगे बी है, वापस चेक किया इसने, बी भी नहीं है, सी है, नहीं है, डी है, ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, एंड सिलेक्ट आ गया पुअर। सर 1 मिनट, हाँ हाँ 1 मिनट, 1 मिनट, समझिए, डोंट हाँ माइंड, मैं एक बेसिक से क्वेश्चन पूछूंगा, आप प्रोग्राम पे आ जाइए। हाँ जी, तो हमने इधर आई एज एन इंटीजर हमने ये किया, डिक्लेयर किया, हाँ ओके जी, okay? हाँ जी, हाँ जी, समझे, हम अभी आई एज ए इंटीजर डिक्लेयर नहीं किया तो कोई बात नहीं। Hey guys,
the crazy low man. मैंने कहा कि आपको जरूरत नहीं है इसकी, मैंने ये डिक्लेयर करने से बोला था कि जरूरत नहीं है, पर इसके लिए कि वैल्यू मान लीजिए डेटा इंटीग्रिटी चेंज ना हो, पता चले मैं 0 से 40 पे कर रहा हूँ और वहाँ ABCD पड़ा है, ठीक है जी, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये वैल्यू चेंज कराई। आप इसको नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा ये, ओके ए भी नहीं, ए भी नहीं चाहिए, आर इक्वल टू आर डॉट वैल्यू भी नहीं चाहिए। हाँ मतलब बोले तो ऊपर जो आप यहाँ कर्सर जो रखे आई इक्वल टू आर डॉट वैल्यू ऊपर यहाँ पे आपको ये चाहिए होगा, अब बाकी आप इसको हटा सकते हैं, ये हटा सकते हैं तो भी चलेगा, ठीक है जी। आर डॉट वैल्यू मैंने यहीं दे लिया जैसा कि मैंने दूसरे में कर रखा, ओके ठीक है जी, ओके। अभी एक मिनट मैं सिंपल से पूछता हूँ, फॉर ईच आर इन सिलेक्शन बोले तो आर रेंज में जो सिलेक्शन होता है, इसलिए व्हाट इज दैट मीनिंग ऑफ फॉर ईच आर इन सिलेक्शन बोले तो फॉर ईच जो है सर आपका एक लूप का काम करता है, जैसे हमने कल फॉर लूप देखे थे, तो ईच कीवर्ड क्या करता है इसमें से एक एक ऑब्जेक्ट आर में डालता रहता है हर बार, जब जब हमारा लूप चलता है हाँ, तो सिलेक्शन में जितनी हमारी रोज है इनमें से एक एक सेल आर में डालता रहेगा, इसीलिए तो हम आर डॉट वैल्यू पे जा रहे हैं, मतलब पहली यहाँ देखिए इसने पहला ये वाला सेल पकड़ा इसीलिए पहले इस पे वर्क किया, फिर ये इस पे करेगा, फिर इस पे करेगा। हाँ ओके अभी प्रोग्राम पे आ जाइए, फॉर ईच आर इन सेलेक्ट केस आर डॉट वैल्यू बोले तो केस सर सिलेक्ट केस एक स्टेटमेंट होती है, मतलब जैसे हम इफ एल्स करते हैं वैसे सिलेक्ट केस होता है। अब हमने कह दिया कि जी आर डॉट वैल्यू को केस देखेगा, संदीप कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा था बैकग्राउंड, पता नहीं किसका है मैं। हाँ जी देवेंद्र जी का वीडियो प्ले हो रहा शायद, हाँ देवेंद्र जी का है जो चल रहा है इसलिए, ठीक है जी। तो अब देखिए इसके अंदर केस का जब मैं बता रहा था कि आर डॉट वैल्यू में कोई भी वैल्यू है वो इन पैरामीटर्स पे चेक की जाएगी, सिलेक्ट केस एक स्टेटमेंट है, सिलेक्ट से स्टार्ट हुआ केस आर डॉट वैल्यू, हमने आर को केस बना दिया, उस सेल को केस बना दिया, अब केस केस अपने अपने पैरामीटर्स पे चेक करेगा, केस के पैरामीटर्स क्या है, क्या वैल्यू 0 to 40 है तो ये चलाएगा, अगर 41 to 60 है तो ये चलाएगा, मतलब इनमें से कोई एक ही होगा तो वो वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, जबकि इफ एल्स में क्या होता है ट्रू होने पे आप इफ के अंदर की कंडीशन चलाते हैं अदरवाइज एल्स के अंदर चला जाता है, पर इसमें आपको केस वाइज ढेर सारे एग्जीक्यूशन स्टैंडर्ड्स मिल जाते हैं, ठीक है जी 0 से 40 है तो ये चल जाएगा, है ना। और इन पैरामीटर्स के बाद जो बचा हुआ है वो एल्स में चला जाता है, केस एल्स में, मतलब उसके अलावा जो कुछ भी हो वो इसमें आ जाए, ठीक है जी, ओके डन सर, ओके। ए आप मैक्रो रखिए, डिलीट मत कीजिए, देन आफ्टर द क्लास ये हमको सेंड कर दीजिए। हाँ जी ठीक है मैं कर दूंगा, और अभी हमारे केस में बहुत सारी चीजें और भी हैं, जब कि हम केस पढ़ रहे हैं तो केस के अंदर जैसा कि हमने जाना एक तो वैल्यू हम 0 to 40 करके इस तरह से दे सकते हैं न्यूमेरिक वैल्यूज को, दूसरा हम डायरेक्ट कोई भी स्ट्रिंग दे सकते हैं, तीसरा मान लीजिए मुझे ए और बी पे वेरी गुड लिखवाना है तो मुझे बी के एल्स अलग से देने की जरूरत नहीं, मैं यहीं पे ही बी इस तरह से कॉमा करके भी दे सकता हूं, ठीक है जी। सपोज मैं अपने कोटेशन मार्क से थोड़ी देर के लिए इसको डिसेबल कर देता हूं, मान लेते हैं ये है ही नहीं, ठीक है जी। जैसे मैंने बताया कि ये जब हम कोटेशन मार्क यूज करते हैं तो ग्रीन में हो जाता है कमेंट, मतलब ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। तो मैंने क्या करना है ए और बी में वेरी गुड लिखवाना है, अब मैं इसको अपने पुराने फॉर्म पे देता हूँ और यहां से प्ले कर देता हूँ,
अब क्या हुआ, ए और बी पे वेरी गुड आ गया, देख रहे सर। तो आप वैल्यू को एक साथ कॉमे के साथ भी से दे सकते हैं, और चाहिए तो और कॉमे के साथ दे सकते हैं। इसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है केस में। इसमें कोई मेथड ऐसा होगा कि स्टार्टिंग वर्ड या इट्स लाइक स्ट्रिंग को कंसिडर करे कि, क्योंकि मतलब कैसे? ये हाँ दिक्कत आती है, एक दिक्कत मुझे आती है कि जहां पे मुझे डिपार्टमेंट है तो कोई बंदा उसे पुट करते समय इट्स लाइक इट्स पुटिंग एज प्रोडक्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और समटाइम इट्स पुट PRO, तो मुझे खाली स्ट्रिंग कंसिडर करना है, फर्स्ट थ्री कॉमन रहेंगे उसमें, क्या वो कुछ कर सकता हूँ उसमें, ये केस कंसीडर कर बना सकता हूँ वैसे, केस को इज इट पॉसिबल? हाँ जी, पॉसिबल तो सब कुछ है, इसीलिए ये लैंग्वेज हाँ प्लीज, नहीं। अगर ज्यादा होगा वो काफी आगे का होगा तो प्लीज आप इग्नोर कर दीजिए, इफ इट इज नहीं नहीं, लाइक इन बिटवीन ही इजी आप है तो जान आप बता जाएंगे, दीजिए। इसके बाद ही जान जाएंगे। वैसे उसके लिए जैसे आप चाह रहे हैं कि उसमें से कोई स्ट्रिंग आप फाइंड कर लें, जैसे हाँ प्रोडक्शन है तो PRO जो है उसके बेस पे वो हाँ आइडेंटिफाई कर ले, फर्स्ट थ्री लेटर्स के बेस पे। हाँ तो जो आपके राइट मिड और लेफ्ट वाले फॉर्मूले हैं सर, वो इसमें भी चलते हाँ हैं, हाँ ओ है जी। तो आप उनको चला सकते हैं। बाकी जब मैं टेक्स्ट फॉर्मूला के बारे में इसमें बताऊंगा, तो आप टेक्स्ट मैनिपुलेटिंग टेक्स्ट के बारे में बताऊंगा, तो वो सारी चीजें दिखाऊंगा आपको, ठीक है सर। चलेगा, नो इश्यूज, यप, थैंक्स संदीप। और दूसरा तरीका क्या होता है इसमें, एक और बचा है हमारे पास। अब ये दो कंडीशन हो गई, न्यूमेरिकल कर लिया हमने, टेक्स्ट वैल्यू कर ली, अब बचा लॉजिकल कंडीशंस चेक करनी है हमें तो, ठीक है जी। लॉजिकल मतलब इफ इट इज ग्रेटर देन 80, ठीक है जी। अब जो हमने ये कंडीशन लगाई थी, अब इसको मैं पहले जैसा कर देता हूं, एक कॉमा की तरह, बेटर है इसके लिए मैं एक नया मैक्रो डिक्लेयर कर दूं ताकि आप लोगों को समझ आए उसमें कि मतलब ये मैं दे पाऊं आपको। एंड तो ये मैंने नया मैक्रो डिक्लेयर किया, सेम है इसमें, पर इसमें क्या करना है मुझे, जैसे मैंने 0 to 40 है तो सिंपली मैं क्या कर सकता हूं इसको, इज लेस देन 40, ये भी चलता है इसमें। एंड लेस देन 60, हमें वो बिटवीन देने की जरूरत नहीं है, अपने आप ले लेता है। इसमें कर देते हैं इज लेस देन 80, अब क्या करना है, ये हमारा गलत आ गया थोड़ा सा, ये यहाँ पे आना है लेस देन 40 और ये 60 यहाँ आना है, एल्स में आना है। बस लेस देन 40 दो बार हो गया एक्चुअली। हाँ जी हाँ जी, उसको मैं क्या कर देता हूँ, लेस देन 40 में डी था ना, हाँ ठीक है, नहीं, सही था, पहले ही सही था, 60 इंसर्ट 80, और ये था हमारा केस एल्स, एल्स ही डाल देते हैं अभी फिलहाल इसे। अब इसको प्ले करते हैं, देखते हैं काम करता है नहीं करता।
एंड सब कहाँ नहीं लगा, ओके एंड सब यहाँ गलती से आ गए। चल गया सर, ठीक है। तो आप इस तरह से इसमें लॉजिकल कंडीशंस भी दे सकते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले जो मैच हो गया उसमें अगर लेस देन 40 है तो इस पे चला जाएगा, अब लेस देन 40 नहीं है तो डेफिनेटली लेस देन 80 पे 60 पे जाएगा, फिर लेस देन 80 पे जाएगा, लेस देन 80 के बाद जो बचा हुआ है वो यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके केस स्टेटमेंट्स थी। तो आज का सेशन मैं एंड करता हूँ, ठीक है जी। आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए। संदीप आप वीडियो प्लीज भेज दीजिए, वीडियो और फाइल दोनों भेज दीजिए। मैंने आपको भेज दिए सर, ठीक है, मैं चेक नहीं कर पाया, बट आप आज की भी भेज देंगे तो बहुत अच्छा होगा। हाँ जी भेज दिए मैंने। मेरा थोड़ा सा ना अभी मुझे खुद भी नहीं पता पड़ता है कि इसमें सबके नंबर्स में मैं कंफ्यूज हूँ अभी भी, नंबर देख के मुझे आप पता नहीं पड़ता है। तो जब कोई शायद भेजता मैंने है, मीटिंग मीटिंग वाले में अपना ईमेल आईडी भी अपडेट किया है, इफ यू वांट यू कैन रेफर दैट आल्सो। अच्छा आपका ये प्रदीप वाला है ना, रविंदर वाला, मैं तो नहीं भूल गया। रविंद्र वाला, अच्छा, हाँ आपका तो मुझे याद है, नंबर जो है वो 786 है, आईडी भी मेरे पास आती है, प्रदीप जी का भी आता है। चले ठीक है। ठीक है सर, तो आज का सेशन एंड करते हैं, कल थोड़ा सा और लूप के बारे में पढ़ेंगे। अब मैं आता हूँ लूप के चक्कर में, पर मुझे कुछ और याद आ जाता है तो फिर मैं वो पढ़ा देता ठीक है हूँ। या थैंक्स संदीप, थैंक्स अ तो लॉट। केस भी जरूरी था, तो ये प्रोग्रामिंग का ही पार्ट है, क्योंकि ये सारी चीजें आप लोग कर लेंगे ना तो आपको प्रोग्रामिंग में इतने ऑप्शन मिल जाएंगे कि आप किसी भी तरह से घुमा फिरा के चीजों को कर देंगे। ठीक है जी, फॉर्मूले तो कोई भी सिखा देगा, पर जो मेन प्रोग्रामिंग मेथड्स होते हैं ये हर किसी के बस की बात नहीं है। ठीक ठीक है जी, तो या चलिए थैंक्स आज का संदीप, सेशन एंड करते ओके हैं। चलेगा चलेगा, या ओके। ओके सर बाय।